और जल्दी स्केच का गिव अवे भी होने वाला है जिस... हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी बज रहा है रात का 10 और जस्ट अभी मैं एक आर्टवर्क कंप्लीट करके बैठा हूँ और एक नया आर्टवर्क स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन सा आर्टवर्क मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये है वो टेबल जो मैं यूज़ करता हूँ ड्राइंग के लिए। तो ये नॉर्मली वो है लैपटॉप टेबल जो होता है हमारा, वही है। और ये है ड्राइंग शीट A4 साइज़। A4 साइज़ है, 210 GSM का। और अभी मैं सबसे पहले आउटलाइन बनाऊंगा। तो ये है वो स्केच जो मैं बनाने वाला हूँ, पूनम बिष्ट एंड रोहित नेहाल भैया का स्केच बनाने वाला हूँ मैं। तो अभी सबको पता है कि अभी एक आध दिन पहले उनकी शादी हुई है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और वैसे तो मैंने दोनों का पहले भी पोर्ट्रेट बनाया है, तो अभी मैं पहले इनकी आउटलाइन बनाऊंगा। ये था वो फ़ोटो जो मैं बनाने वाला हूँ। तो ये है, ये फ़ोटो मैंने निकलवा लिया है क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो इससे शूट भी करना है, फिर फ़ोटो भी देखनी, तो वो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने फ़ोटो निकलवा लिया। बस जब स्केच दूंगा उन्हें तो मैं ये फ़ोटो भी उनको ही दे दूंगा क्योंकि मेरे क्या काम की है फ़ोटो। तो वैसे तो पहले मैंने बना रखा उनका स्केच दोनों का, जब उनकी इंगेजमेंट हुई तो मैंने बनाया था स्केच। बट मेरे को लगा कि कुछ कमी है फ़ोटो में, मैं नहीं बना पाया था अच्छा जितना मैं बना सकता था। तो इस बार मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं टाइमलेस वीडियो बनाता था, तो मैं इस बार वो वीडियो शूट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत टाइम लगता है एक तो, और ऊपर से उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस बार कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता, अपना 100% देना चाहता हूँ स्केच में। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता रहूँगा बिहाइंड द सीन, जो भी चीज़ जितना जितना मेरा प्रोग्रेस हो रहा है स्केच में वो आपको दिखाता रहूँगा मैं। तो अब मैं पहले आउटलाइन बनाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो 11:45 हो गया है और मेरे को 1 घंटा 45 मिनट लग गए पूरा ये आउटलाइन बनाने में, क्योंकि थोड़ा ज्वेलरी वगैरह है और ड्रेस में थोड़ा डिज़ाइन है, सेहरा वेहरा है, तो पूरा काफ़ी टाइम लगा इनकी आउटलाइन बनाने में। तो दिखाता हूँ पहले मैं आपको कैसा लग रहा है अभी। तो आउटलाइन पूरी हो चुकी है, दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। ये ज्वेलरी वेलरी के वैसे जो ज्वेलरी वेलरी बनी है यहाँ पे, इनकी वैसे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि काफ़ी बारीक काम है, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया ड्राइंग रूम में। तो इतना कुछ हो चुका है स्केच, अभी रात का 1:30 बज रहा है, तो 1.5 घंटा हो चुका है काम करते। मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया था, 15 मिनट का गैप लिया था मैंने, तो कुछ इतना बना दिया है। लग रहा होगा हल्का हल्का भी उनकी तरह, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। जैसे जैसे कंप्लीट होगा एकदम उनकी तरह लगना शुरू हो जाएगा ये। तो अभी बज रहा है 2 और इतना कुछ हो चुका है स्केच। तो लाइट चली गई है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, शायद ओले पड़ रहे हैं, तो शायद इस वजह से लाइट चली गई है और अभी आती ही नहीं आती, कुछ पता नहीं है। तो मैं अभी 15 से 20 मिनट वेट करूँगा, अगर लाइट आ जाती है तो मैं काम कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर मैं अभी इसे बंद करके सो जाऊँगा। रात भी हो चुकी है वैसे, और फिर सुबह कंटिन्यू करूँगा इस वर्क को। अब थोड़ा लग रहा होगा ना इफेक्ट कि पूनम की तरह, जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है स्केच। सो इतना कुछ हो चुका है, 1.5 से 2 घंटा मैंने काम किया अभी सुबह बैठ के। तो ये ज्वेलरी वाला पार्ट थोड़ा टाइम ले गया, और अभी तो और टाइम लेगा। जैसे जैसे लहंगा बनेगा तो लहंगे में जैसे डिज़ाइन है उस हिसाब से डिज़ाइन है लहंगे में, तो ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। उसके बाद फिर रोहित भैया का बनाऊँगा। तो कुछ इतना हो गया, अब लग रहा होगा ना थोड़ा बहुत उनकी तरह, अब जैसे फेस कम्प्लीट हो चुका है। तो तो फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है स्केच। तो आज दिन भर मैंने इसी पे वर्क किया, तो इतना कुछ कंप्लीट कर चुका है मैंने, मतलब पूनम बिष्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस उनका हाथ रह गया है यहाँ पे, वरना कंप्लीट है। फिर उसके बाद मैं रोहित भैया का स्केच स्टार्ट करूँगा। तो कुछ इतना हो चुका है स्केच, तो रोहित भैया का फेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा दिक्कत आ रही है फेस में, पूनम के फेस में इतनी दिक्कत नहीं आई जितना मेरे को रोहित भैया की फेस में आ रही है, क्योंकि थोड़ा जो आइज़ के नीचे वाला ये वाला पार्ट है ना, ये तक क्लियर नहीं है फ़ोटो में, ब्लरी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी अभी मैंने लिया एक टी ब्रेक रात को, क्योंकि अभी रात का 1:30 बज रहा है, तो मैं काफ़ी देर से काम कर रहा था, तो मैंने सोचा एक टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे दोबारा। तो रात को मैं कुछ इतना करके सो गया था, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शायद मैं आज कंप्लीट कर दूंगा इसको रात तक। तो काफ़ी टाइम ले लिया इसने, लगभग 3 दिन ले लिए मेरे स्केच ने, बट मज़ा आया इसको बनाने में। और आज कोशिश करूँगा कि मैं ये यहाँ का जो ये पूरा पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट कर दूँ रात तक,
होप सो। तो देखते हैं, होता ही नहीं होता कंप्लीट। तो फाइनली जो स्केच है वो हो गया कंप्लीट, बस हल्का सा टचअप देना बाकी है, उसके बाद ये स्केच कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस पर फिक्सेटिव कर लेते हैं। तो बेसिकली फिक्सेटिव ये स्प्रे है, ये हम ड्राइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो भी गंदगी हो इस पर लगे ना स्केच पे, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहे हमारा स्केच, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। सो फाइनली जो स्केच है वो हो चुका है कंप्लीट, और लगभग मुझे इसमें कम से कम 16 से 18 घंटे लग चुके हैं कंप्लीट करने में स्केच को। तो मैं दिखाता हूँ आपको फाइनल वर्क कैसा लग रहा है, और कोशिश करूँगा कि मैं उनको मिलकर ये स्केच दूँ और उनका रिएक्शन देखूँ कैसा रहता है, कैसा लगता है उनको ये स्केच। होप उनको भी पसंद आएगा और आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो ज़रूर बताना कमेंट में ये कैसा लगा आपको स्केच। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और जल्दी स्केच का गिव अवे भी होने वाला है, जिसमें आपको फ्री स्केच मिलेगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वो जो गिव अवे है वो मैं इंस्टाग्राम पे ही डालूँगा और उसका रिज़ल्ट भी इंस्टाग्राम पे ही आएगा। तो आप मुझे फॉलो कर लेना, मैं अपना जो है लिंक है इंस्टाग्राम हैंडल का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो आप मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको स्केच पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्केच कैसा लगा, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना मेरे को। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।